नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियां, जिसमें ज्वाला माता पढ़ ली थी, शाकंभरी माता पढ़ ली थी, शीला माता पढ़ ली थी। टॉपिक में चल क्या रहा था, लोक देवियां चल रही थी, कहाँ की चल रही थी, जयपुर की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक और जयपुर की मोस्ट और इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसको पूरे राजस्थान में भी पूजा जाता है, कौन सी, शीतला माता, मोस्ट और इम्पोर्टेंट। ठीक है, कौन सी माता, शीतला माता। सबसे पहले हम इसकी बात करें तो इनका मंदिर कहां पड़ता है, शीतला माता का, शीतला माता का मंदिर पड़ता है शील की डूंगरी, कौन सी डूंगरी, शील की डूंगरी। और शील की डूंगरी कहां पड़ती है, शील की डूंगरी की पहाड़ी पर इनका मंदिर है, शील की डूंगरी की पहाड़ी पर इनका मंदिर है। और कहां पर ये पड़ता है, चाकसू में, चाकसू जयपुर के पास में ही है, जहां जयबाण तोप का घोड़ा जाके गिरा था और वहां पे तालाब बन गया था, वही चाकसू है जयपुर वाला, वही चाकसू है। ठीक है दोस्तों, निर्माण कराया था माधु सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था इस मंदिर का, माधु सिंह हुआ था, एक कछुआ वंश का उसने करवाया था। और माधु सिंह कौन सा, माधु सिंह फर्स्ट, उसने इसका निर्माण कराया। ठीक है, और आप इसके बारे में याद रखो, कई बार राज्य राष्ट्रीय मार्ग के बारे में पूछ ले कि कौन से राज्य मार्ग पर स्थित है, तो NH 12 पर यह मंदिर स्थित है, कौन सी, NH 12 नेशनल हाईवे, NH 12 पर यह, नेशनल हाईवे 12 पर यह स्थित मंदिर है। इसको इसका निर्माण माधु सिंह फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, इसको पूरा राजस्थान पूजता है, किसको, शीतला माता को, पूरे राजस्थान में पूजा जाता है, शीतला माता को पूरे राजस्थान में पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेला, इनका मेला कब पड़ता है, शीतला माता का मेले की हम बात करें तो चैत्र इनका मेला बताया, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीतलाष्टमी, क्या बोलते हैं, शीतलाष्टमी, क्या बोलते हैं, शीतलाष्टमी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बोलते हैं। और ये कब आती है, ये आती है जब हिंदू कैलेंडर महीने के हिसाब से हम देखें तो ये पहले महीने में आती है, चैत का पहला ही महीना होता है, और होली के 8 दिन बाद में आती है, कब आती है, होली के 8 दिन बाद में। ठीक है, होली के 8 दिन के बाद में आती है, उस दिन बासुड़ा मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, बासुड़ा, बासुड़ा मनाया जाता है, बासुड़ा के हुए कौन समझ में, उस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, क्या क्या जाता है, बासुड़ा के दिन क्या होता है, ठंडा भोजन होता है, जो शीतलाष्टमी के पहले दिन बना के रख दिया जाता है। ठीक है, और शीतलाष्टमी के दूसरे दिन गर्म भोजन नहीं बनता है राजस्थान के घरों में, जो शीतला माता को मानते हैं वो गर्म भोजन नहीं बनाते, पहले दिन ठंडा खाना बनाएंगे, उस ठंडा खाने को ही खाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में, इनके पीछे स्टोरी क्या है, क्यों बासुड़ा मनाते हैं, क्यों ठंडा खाना खाते हैं, कोई शौकीन थोड़ी ना है, इसके पीछे स्टोरी क्या आती है, इसके पीछे स्टोरी ये आती है, शीतला माता जो है एक बार के जा रही थी, कहां, कोचिंग से घर जा रही थी, कहां से जा रही थी, कहानी क्या आती है इसकी, शीतला माता जो है वो कोचिंग से घर जा रही थी 12-1 बजे का समय था दोपहर का। ठीक है, जा रही है, क्या है, जब महिला जो होती है, जैसे सब्जी के छिलके वगैरह जो भी हो या कुछ ठंडी रोटियां वगैरह हो, उसका ऐसे बांध के और बाहर फेंक देती है, ये चीज ध्यान नहीं करती है कि बाहर कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, किसके ऊपर जाके गिरेगा नहीं गिरेगा, ये ध्यान नहीं करती और सीधा ही वो फेंक देती है।
ऐसे में क्या होता है, शीतला माता जाती है और उसके ऊपर किसी ने घर से बाहर देखा नहीं कि कौन जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, लेकिन शीतला माता जैसे रास्ते से गुजर रही थी तो किसी घर वाले ने गरम गरम चावल का, जो चावल का पानी बचा होता है ना, वो पानी इस पर डाल दिया था और पूरी जल गई थी। तो यह जलती हुई मतलब चीख रही थी, जलती हुई चीख रही थी और चीखते चीखते कहां पहुंची, एक कुमार के पास पहुंची। कुमार के पास क्या है, घड़े वगैरह बनाने के लिए मिट्टी गीली की हुई थी, उस मिट्टी को शीतला माता ने पूरे शरीर पर लगा लिया, क्यों वो ठंडी ठंडी लग रही थी, उसे जलन कम हो रही थी तो उसको पूरे शरीर पर लगा लिया। किसने, शीतला माता ने लगाया था कुमार की मिट्टी को, ठीक है। शीतला माता ने कहा, उसके बाद शीतला माता ने कहा कि मैं घर से एक दिन बाहर निकलूंगी, कितने दिन, एक दिन बाहर निकलूंगी साल में, और उस दिन घर में किसी भी घर में गर्म खाना नहीं बनेगा। साल में एक बार बाहर निकलूंगी, उस दिन किसी के घर में भी गर्म खाना नहीं बनेगा। जो और भविष्य में जो मेरा पुजारी होगा वो कौन होगा, कुमार होगा। कौन होगा, कुमार होगा, कुमार होगा। भविष्य में जो पुजारी होगा, जो शीतला माता की पूजा करेगा, वो भी क्या होगा, कुमार होगा। तो इसका पुजारी कौन होता है, शीतला माता का पुजारी होता है कुमार, ठीक है। कुमारी के, कुमार के पास क्या होता है, वाहन होता है। वाहन कौन सा, गधा। गधा कौन सा, चार पकारो जानो वो ही गद्दा है। कुमार का वाहन क्या होता है, गधा। तो कुमार पूजा करेगा तो उस दिन क्या होती है, गधे की भी पूजा होती है। शीतलाष्टमी के दिन किसकी पूजा होती है, गधे की भी पूजा होती है, जो कुमार का था, ठीक है। शीतलाष्टमी के दिन तो किसकी पूजा होती है, गधे की पूजा होती है, और करवा चौथ के दिन चार पगा। शीतलाष्टमी के दिन तो चार पगा वाले गधे की पूजा हुए, और करवा चौथ वाले दिन दो गधे वाले, दो पैराने गधे की पूजा हुए। आई बात समझ में, आगे चलू, ठीक है। करवा चौथ के दिन दो पगारे गधे की पूजा हुए, शीतलाष्टमी वाले दिन चार पगारे गधे की पूजा हुए। आई बात समझ में, ठीक है। शीतला माता का जो मंदिर है, मंदिर नहीं है, पूजा कहाँ होती है, पूजा होती है शीतला माता के मंदिर की, कहाँ होती है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहाँ होती है शीतला माता की पूजा, पूजा होती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है दोस्तों। और शीतला माता का जो वाहन है वो क्या है, वो गधा है। शीतला माता का वाहन जो है वही गधा ही है। चार पगारों बता दियो, शीतलाष्टमी के दिन इनकी पूजा होती है। आई बात समझ में, शीतला माता की पूजा कहाँ होती है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये एक ऐसी, एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। कौन सी माता की होती है, शीतला माता की होती है। यह चीज ध्यान रखना, बाकी की सारे देवियों की मूर्ति पूरी है, यहां खंडित मूर्ति की पूजा होती है, शीतला माता। अब हम इनके उपनाम की बात है, इतो समझ में आयो, रिपीट करूं, क्या पढ़ रहे थे, जयपुर की देवियां पढ़ रहे थे। जयपुर में क्या, शीतला माता की मंदिर कहाँ है, सील की डूंगरी पहाड़ी चाकसू में इनका मंदिर है। NH-12 पे निर्माण माधु सिंह फर्स्ट ने करवाया, पूरे राज्य में पूजी जाती है, ठीक है। मेला कब भरता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है, उस दिन क्या होती है, शीतलाष्टमी होती है। आई बात समझ में, उस दिन बासुड़ा भी मनाया जाता है। बासुड़ा मतलब कोई किसी भी घर में गर्म भोजन नहीं बनता है, ठंडा भोजन करते हैं। कुमार इसका पुजारी होता है, शीतला माता का वाहन गद्दा होता है, ठीक है। पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है, खंडित प्रतिमा होती है, पूरी मूर्ति नहीं होती है मंदिर में, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी कब आती है, होली के 8 दिन बाद में आती है। आई बात समझ में थी, आगे चालू, चालू।
अब हम इनके बात करेंगे, इनकी उपनामों की बात करेंगे के शीतला माता ने के नाम पुकारा। ठीक है, तो उपनाम क्या है? चेचक की देवी और सैंडल माता। चेचक की देवी बोलते हैं, सैंडल माता बोलते हैं, बच्चों की डॉक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बच्चों की सरिंसका, सरिंसका बोलते हैं, या बच्चों की डॉक्टर बोल दो इसको। क्या बोल दो? बच्चों की डॉक्टर बोल दो। ये क्या बोलते हैं? महामाई। किनको? शीतला माता। क्या बोलते हैं? महामाई बोलते हैं। चेचक की देवी, महामाई, सैंडल माता बच्चों की सरिंसका, या डॉक्टर बच्चों की संतान देने वाली देवी। अरे कोई के टाबर नहीं हुए ना तो इनकी पूजा करे तो टाबर हो जाए, संतान देने वाली देवी। और बोधरी, बोधरी या ओरी, सामान्य स्थानीय भाषा में ओरी बोलते हैं, ओरी की देवी। अरे बोधरी कौन है क्या पंगे? छोटा टाबरा निकला करे, शरीर पर छोटा छोटा दाना टाइप का हो जावे, इन बोधरी बोले, इनकी याद देवी है। इनका, इनकी पूजा करने पर, इनकी धोख देने पर बोधरी ठीक हो जाती। और ऐसा माना जाता है जिस घर में बोधरी किसी बच्चे को निकली होती है उस घर में तड़का या छमका नहीं लगाया जाता है, सब्जी नहीं बनती है। आई बात समझ में? चेचक की देवी, चेचक की देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास चेचक का इलाज था देसी जड़ी बूटियों से। ठीक है, आई बात समझ में? अरे जी कोरोना कौन है गए भी हैं चेचक रोग, अब तो इनके टिक्के वगैरह बन गए, लेकिन जैसे कोरोना है अभी इसकी दवाई नहीं है और आने वाली पीढ़ी कोरोना का बारे में नहीं जानेगी, तब तक उसके टिक्के वगैरह चल जाएंगे तो जाने लगे लग जाएंगे, लेकिन चेचक अभी हमको पता नहीं है। ये पहले बीमारी आई थी, कई बच्चों की इसमें जान भी गई थी, छोटे बच्चों की होती थी, अब तो इनके चेचक वगैरह, चेचक के वो टिक्के वगैरह चल गए। आई बात समझ में? सैंडल माता कहने कहते हैं, बच्चों की सरिस्का कहते हैं, ठीक है, बच्चों की डॉक्टर कहते हैं। महामई मतलब बहुत बड़ी देवी है, महामई का मतलब महा, महान, बहुत बड़ी देवी है, संतान देने वाली, जिसके बच्चा नहीं होता वो इसकी पूजा करती है, उसको संतान देती है। बोधरी, बोधरी माता की, बोधरी में निकलती है तब इनकी पूजा होती है। ठीक है, इतनी आई बात समझ में? आगे चलूं? चलो, पूजा में इनके क्या चढ़ता है? पूजा में इनके चढ़ता है दही, छाछ, राब, राब को मतलब राबड़ी, ठंडी रोटी, ठंडी बाजरे को रोटो, कुमकुम और रोली, रोली मतलब कई जगह मोली भी बोले भी बा, और मेहंदी के थप्पे। आई बात समझ में? ये इनके पूजा में चढ़ती है। चाकसू में गद्दों का मेला पड़ता है, कहाँ पड़ता है? जहां इनका मंदिर है, इनका शीतला माता का। चाकसू में किसका मेला पड़ता है? गद्दों का मेला पड़ता है। किन का मेला पड़ता है? गद्दों का मेला पड़ता है। इतनी बात समझ में? राजस्थान में पूरे की हम बात करें तो प्रसिद्ध मेला कौन सा है? राजस्थान में प्रसिद्ध गद्दों का मेला कहां पड़ता है? वो पड़ता है लुनियास। और लुनियास कहां पड़ता है? वो जयपुर में ही पड़ता है। लुनियास जयपुर में प्रसिद्ध गद्दों का मेला पड़ता है, पूरे संपूर्ण राजस्थान, पूरे राजस्थान का। आई बात समझ में? एक मेला और पड़ता है गद्दों का, कहां? सोरसन। सोरसन में भी इनका मेला पड़ता है। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अंता। अंता कहां पड़ता है? बारा में। यहां पर भी मेला पड़ता है। एक चीज और ज्ञान रखना, गद्दों से जुड़ी हुई है तो मैं यही बता देता हूं आपको, गद्रब अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र। अरे गद्रब मतलब गद्दा बंदरों के बांको अभ्यारण्य है, किस जहां है बांको अभ्यारण्य? बांको अभ्यारण्य डोडलूद, डोडलूद किस जहां है? डोडलूद नामक एक जगह है, कौन से जिले में पड़े? वो पड़े
झुंझुनू जिले में। ठीक है, आई बात समझ में। ये चीजा शीतला माताओं जुड़ी है। उपनाम क्या है शीतला माता का? शीतला माता उपनाम चेचे की देवी, सैंडल माता बच्चों की शरीर का, महामई बोधरी ओरी की माता, बोधरी ओरी की देवी संतान देने वाली देवी। चाकसू में गद्दों का मेला पड़ता है, जिस दिन शीतलाष्टमी के दिन ही बढ़ता है मेला। आई बात समझ में। राजस्थान में लुणियास में गद्दों का, राजस्थान पूरे राजस्थान का फेमस मेला पड़ता है लुणियास जयपुर में। सोरसन अंता बारह में भी इनका मेला पड़ता है। गद्रप अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है गद्दों का, जो काय डोडलू झुंझुनू में। इतनी आई बात समझ में आई थी, चलू आगे। चलो अब दो तीन माता और है, छोटी छोटी माता है, देख लेना कौन सी माता है। ठीक माता, कौन सी माता है? छीक माता। कहाँ है पढ़ रहे हैं? जयपुर की, तो जयपुरी जयपुर की है। आई बात समझ में। मंदिर कहाँ है इनका? मंदिर है गोपाल जी का रास्ता। गोपाल जी का रास्ता जयपुर में इनका मंदिर है। ठीक है, छीक माता का मंदिर कहाँ है? गोपाल जी का रास्ता जयपुर में। मेला कब बढ़ता है? मांग शुक्ल सप्तमी को। मेला कब बढ़ता है? मांग शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, किन का? छींक माता का। ऐसा मानते हैं ज्यादा छींक आने पर इस देवी का देवी की पूजा होती है। क्या होती है? अगर किन ज्यादा छींक आवे तो ये देवी की पूजा करे तो छींक रुक जाए, ऐसा मानते हैं। एक होती है हिचकी माता। हिचकी माता कई बार बोला ना आपा कि हिचकी आ रही है, कोई याद करे तो। इनका मेला पड़ता है कहाँ? मंदिर है इनका सेनवाड़ा। और कहाँ पड़ता है ये? ये पड़ता है भीलवाड़ा में। हम जयपुर के पढ़ रहे हैं लेकिन ये हिचकी और छींक ये जुड़े हुए हैं, तो यहां बता रहा हूं। अपन बोलते छिकी छींक या हिचकी आने पर कि कोई याद करे। ठीक है, तो बेचारी सोनी लड़की फूटरी लड़की तो सो ही कौन सके। एक याद करनो रुके तो दूसरे याद करीबे लाए जमीन, तो छींक और हिचकी रुकी गुनी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई याद नहीं करता है, ये कोई प्राकृतिक के कारण है जिससे छींक और हिचकी आती है। अगर ऐसा होता तो चौकी चोरी पूडर चोरी इनको सोनी बन जाता। क्यों? एक याद गिरियो दूसरो याद करने लग जा, दूसरो रुकियो तीसरो याद करने लग जा। ठीक है, ज्यादा हिचकी आने पर ऐसा माना जाता है कि सेनवाड़ा भीलवाड़ा में जो मंदिर है वहां पूजा करनी पड़ती है, इसको मानना पड़ता है, इसको मानते हैं। इसके या धोख वगैरह चढ़ाते हैं तो हिचकी रुक जाती है। छींक माता जयपुर में ज्यादा छींक आने पर इनकी पूजा होती है। आई बात समझ में। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ज्यादा छींक आने के पीछे कोई याद कर रहा है, ज्यादा हिचकी आने के पीछे कोई याद कर रहा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आई बात समझ में। लेकिन ऐसा मानते हैं कि इसकी पूजा करने पर छींक रुक जाती है। ठीक है, अब एक माता पढ़ेंगे हम, नकटी माता। नकटी माता, नकटी माता, नकटी माता का मंदिर कहाँ है? भवानीपुरा। भवानीपुरा जयपुर में इनका मंदिर है। कहाँ है इनका मंदिर? भवानीपुरा जयपुर में इनका मंदिर है। यहां स्थित मंदिर प्रतिहार कालीन है, यह चीज ध्यान रखना। प्रतिहार कालीन है इनकी मूर्ति। क्या है? प्रतिहार कालीन मूर्ति। यहां स्थित जो मूर्ति है वो प्रतिहार कालीन मूर्ति है। ठीक है, मंदिर नकटी माता इनका नाम क्यों पड़ा इसके पीछे कहानी है, मैं समझाता हूं। नकटी दो प्रकार की है, एक तो अपन काटी नकटी होगी, एक तो नकटी है, एक जकी आप कोई भाग जावे कर जावे कोई उंदा काम करे बिना आप कहे नकटी। एक नकटी बाबा जी की बदमाश हुए, दो प्रकार की नकटी हुए। क्या होता है इनके मंदिर में? एक नकटी तो वो होती है जो गलत काम करती है, भाग जावे कुछ भी नकटी बोला। एक नकटी बहु है जकी नाक कटा दे। ठीक है, नाक की दो प्रकार कटे,
एक तो चाकू कटे और एक इज्जतों कटे, दो प्रकार ना कटे, आई बात समझ में। तो नकटी माता इनका नाम क्यों पड़ा? नकटी माता नाम इसलिए पड़ा, एक बार इनके मंदिर में क्या होता है, चोर आभूषण चुराने के लिए आते हैं। आभूषण चुरा लियो, सारा आभूषण चुरा लिया, नाक में जकी नत पहनी जावे, बा नत लेने वास्ते चोर के करियो, बा या तो खुली कोनी या निकली कोनी, नाक के साथ के करियो ने भी खींची, नाक साथ ही आए वो, तो बा नकटी है। ठीक है, दो प्रकार की नकटी है, जे एक तो नाक कटाई और एक जेकी बदमाश वगैरह वे बा नकटी। ठीक है, अब कहना तो काटी नकटी छोरी है बा नकटी। ठीक है, नाक भी दो प्रकार कटे, एक चाकू कटे एक इज्जतों कटे, इन वास्ते इनका नाम पड़ गया नकटी। अरे कई बार आप मेले में कोई चुराने आवे या कान को कुछ तोड़े या लेजे चुरा, तो कान साथ ही ले जाना, भाई नत चुराने आज चोर है ना, बे नत के साथ ही नाक ले गो, की का नकटी माता। ठीक है, अत्याई बात समझ में, रिपीट कर रहा हूं, क्या पढ़ रहे हैं, छींक माता, कहाँ की पढ़ रहे हैं, जयपुर की। छींक आने पर इनकी पूजा होती है, मंदिर का है गोपाल जी का रास्ता जयपुर में, कब मेला पड़ता है, मांग शुक्ल सप्तमी को मेला पड़ता है। छींक माता का सेनवाड़ा भिलवाड़ा में, इसका डिटेल बाद में पढ़ लेंगे साथ में। ठीक है, ये ऐसे ये जुड़ा हुआ था तो यहाँ मैंने बता दिया। नकटी माता भवानीपुरा जयपुर में इनका मंदिर है, प्रतिहार कालीन मूर्ति है, ये चीज ध्यान रखना, ये मोस्ट है। ठीक है, ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है, ठीक है, सिर्फ नकटी माता की ही मूर्ति है।